हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकीज बेक हाउस। आज हम देख रहे हैं काला खट्टा प्रीमिक्स पाउडर। इसे हम आसानी से घर पे बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, एकदम मार्केट जैसा काला खट्टा प्रीमिक्स। इसे आप बनाकर 2 से 3 महीने के लिए एयरटाइट डिब्बे में स्टोर भी करके रख सकते हो। इसे आप रेगुलर शरबत बना सकते हो, सोडा वाटर में डाल के सोडा शरबत बना सकते हो, आइस कैंडी या आइस गोला भी इससे बना सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप शुगर। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 चम्मच शुगर और एक्स्ट्रा डाल सकते हो। 2 टेबलस्पून ग्लूकोज पाउडर, 1/2 टीस्पून साइट्रिक एसिड, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक और काला खट्टा इमल्शन। ये इमल्शन आपको किसी भी बेकरी स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हम एक मिक्सी जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो मिक्सी जार में मैंने शुगर ले ली है 1/4 टीएसपी और 1/2 टीएसपी नमक और काला नमक, साइट्रिक एसिड, रोस्टेड जीरा पाउडर, काला खट्टा इमल्शन 1/2 टीएसपी, और 2 टेबलस्पून ग्लूकोज पाउडर। अब इसे हम पल्स मोड पे फाइन पाउडर बन जाए इतना हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा काला खट्टा प्रीमिक्स पाउडर बन के बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। काला खट्टा प्रीमिक्स पाउडर, अब इसे जब भी आपको शरबत बनाना है तो बस आपको 1 ग्लास पानी लेना है। यहाँ पर मैंने 1 छोटा ग्लास पानी लिया है। नॉर्मल 1 बड़ा ग्लास पानी में आप 2 से 3 बड़े चम्मच प्रीमिक्स पाउडर डालोगे। तो इसमें मैं ये प्रीमिक्स पाउडर डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप प्लेन वाटर के जगह सोडा वाटर भी यूज कर सकते हो। इसमें चाहो तो आप आइस क्यूब भी डाल सकते हो। और ये हमारा काला खट्टा शरबत बनके बिल्कुल रेडी है। इसी प्रीमिक्स के बनाए गए शरबत को आप कैंडी या कुल्फी मोल्ड में डालकर आइस कैंडीज भी बना सकते हो।